हम लोग ने यार पठान के मेकर्स यानी कि वायरफ को जितनी गाली बकनी थी अच्छे से बक दी, लेकिन अब वायरफ जाग चुका है। एंड आज की वीडियो में बात करेंगे हम वायरफ ने पठान के ट्रेलर से रिलेटेड कुछ ऐसी न्यूज़ करी है जिससे आप लोग बिल्कुल चौंक जाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ यार अभी चैनल को सब्सक्राइब कर। बात करें वायरफ ने ऐसा क्या कर दिया, तो आज के दिन यानी कि 14 जनवरी को वायरफ ने एक अनाउंसमेंट करी है कि आज के दिन दुबई में बुर्ज खलीफा के ऊपर पठान का ट्रेलर चलाया जाएगा। एंड हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो क्या कह रहा है, ये तो हमने पहले भी देख लिया। तो भाई पहले जो यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो रही थी वो एक थोड़ा सा टेस्टिंग ट्रायल था, जैसे कि भाई बुर्ज खलीफा भी कोई यूं तो है नहीं छोटी मोटी बिल्डिंग है कि इस पर आज दिया और हाथों हाथ इस पर चल जाएगा, ऐसा नहीं होता, उनको भी पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उन्होंने पहले प्रैक्टिसिंग करी तो उस प्रैक्टिस के ही वीडियो वायरल हो रही थी। एंड आज फाइनली 14 जनवरी को वायरफ की तरफ से पठान का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर चलाया जाएगा। एंड भाई सोच सकते हो इससे ज़्यादा प्रमोशन और हो ही क्या सकता है। एंड बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं कि ये भाई वायरफ की तरफ से नहीं है, ये SRK के लिए हो रहा है, क्योंकि दुबई में SRK की जो फॉलोइंग है उसको कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। एंड आफ्टर ऑल आप ये भी जानते होंगे कि SRK को दुबई ने गोल्डन वीज़ा दे रखा है एंड वो दुबई के ब्रांड एम्बेसडर भी है। हाँ, सो उनके लिए दुबई इतना तो कर ही सकता है। एंड जब उसकी न्यू मूवी आ रही है पठान SRK की मोस्ट अवेटेड मूवी, तो भाई बुर्ज खलीफा में क्या है यार, वो तो पूरे और भी टावर में चला देंगे, मेरे को नाम नहीं पता और टावर के, वो और जगह भी चला देंगे उनके ट्रेलर। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक की थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।